एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टोरीज। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आर सेफ एट होम। तो क्या चल रहा है लाइफ में? मैं तो यहाँ पे गर्मी में पानी पानी हो रही हूँ, मॉनसून हो के भी नहीं है यहाँ, बारिश बंद, तो गर्मी का स्विच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। मॉनसून हेयर प्रॉब्लम्स यानी कि हेयर फॉल, फ्रीजी हेयर, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो मुझे मिल गई है और मैं आपके साथ वो शेयर भी कर चुकी हूँ, आपने मिस तो नहीं किया है ना। पर इस ह्यूमिड वेदर के बाद अगर एक हेयर स्पा की बात किया जाए तो क्या बात, पर प्लीज मुझे ना केमिकल वाली हेयर स्पा के बारे में मत बोलो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ये पूरी कोरोना सिचुएशन जो चल रही है उससे पहले मैंने एक जानी मानी सलोन से अपनी हेयर स्पा करवाई थी। ओ माय गॉड, मेरी इतनी थी हाँ हेयर लेंथ, इतनी करनी पड़ी। पहले तो जब स्पा करवाई हेयर इतनी बाउंसी लग रही थी, इतनी सॉफ्ट हो गई थी, तो मजा ही आ रहा था। पर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए हेयर की हालत पूरी की पूरी बिगड़ गई और मुझे हेयर कट करनी ही पड़ी। इसके बाद हेयर स्पा के नाम सुनते ही मुझे बहुत डर लगती थी, पर जैसे मैंने DIY पे रिसर्च शुरू की और ये वाली हेयर स्पा अपने घर पे किया ना, ओ माय गॉड। पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, आपको सिर्फ अभी प्रोसेस और डू एंड डोंट्स के बारे में बताना है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। हेयर स्पा की पहली स्टेप होती है हेयर ऑयलिंग, और इसके लिए हम दोनों ऑयल की मिक्सचर बनाएंगे। फर्स्ट इज ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हेयर ग्रोथ पे मदद करती है, हेयर फॉल को घटाती है, हेयर की जो नेचुरल शाइन है उसे कई गुना बढ़ा देती है। फ्रीजी हेयर, स्प्लिट एंड्स एंड डैंड्रफ जैसी हेयर प्रॉब्लम रिड्यूस करने पे भी ये बहुत मदद करता है। सेकेंडली हम इस पे ऐड करेंगे प्योर आमंड ऑयल। ये तो जस्ट मैजिक होती है। जो लोग DIY स्किन केयर पे भरोसा रखते हैं उनके घर में आमंड ऑयल होती ही होंगी। ये ऑयल स्प्लिट एंड्स, डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फ्लेमेशन जैसे बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकती है। ये सिर्फ बालों को मॉइस्चराइज करके एक्स्ट्रा शाइन ही नहीं देता, बल्कि अगर आपके बाल हिट स्टाइलिंग की वजह से खराब हो रही है तो दिस ऑयल इज ब्लेसिंग्स फॉर यू। दोनों ऑयल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद बहुत अच्छे से अपनी हेयर रूट पे हम अप्लाई करेंगे और हल्के हाथों से मसाज भी करेंगे। मेक श्योर कि अपनी हेयर स्ट्रैंड्स पे भी इसे अप्लाई करें। हेयर स्पा कर रहे हैं और हेयर स्ट्रैंड्स पे ऑयल अप्लाई नहीं किया तो क्या किया? और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हो, पर ऑलिव ऑयल हो तो बेहतर होगा। इसके बाद आपको ल्यूक वार्म वाटर लेनी है और उस पे एक क्लीन टॉवल को डिप करके रख देनी है। फिर उस टॉवल को निचोड़ के हेयर पे कुछ इस तरीके से रख देनी है फॉर 15 to 20 minutes। इस स्पा क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कर्ड यानी कि दही। आप मार्केट वाली दही लो तो क्रीमी टेक्सचर ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, वरना आप घर पे बनाई दही भी यूज कर सकते हो, पर लिक्विड पोर्शन ज्यादा हो जाती है तो क्रीम जैसा नहीं होता, पर बेनिफिट्स सेम है, आप घर पे बनाया हुआ दही भी यूज कर सकते हो। दही मैंने 3 स्पून ली है, आप अपनी हेयर लेंथ के अनुसार ले सकते हो। और इसके साथ मैंने ऐड की है एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून। ये बालों के लिए इतनी अच्छी होती है कि आप यूज करने से पहले बिलीव ही नहीं करोगे, पर अगर आप एक बार भी इसे यूज किया ना तो आप सोचोगे कि हाय इतने दिन इसे मैंने क्यों नहीं यूज की। दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने से एकदम स्पा क्रीम जैसे टेक्सचर आ जाएगी। अब इस स्पा क्रीम को हम अच्छे से हेयर स्ट्रैंड्स और हेयर रूट पे भी अप्लाई करेंगे और 30 to 45 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और बाद में शैम्पू और कंडीशनर कर लेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ऑयल मसाजिंग के टाइम बहुत ही हल्के हाथों से मसाज कीजिए।
स्टीम लेने के टाइम मेक श्योर कि पानी ज्यादा गर्म ना हो जाए, गुनगुना पानी ही सही होती है हेयर स्टीमिंग के लिए। अगर आपके बाल बहुत ड्राई है तो आप हफ्ते में एक बार इसे यूज कीजिए और जैसे जैसे आपकी हेयर सॉफ्ट होती जाएंगी आप मंथ पे एक बार या फिर दो बार इस हेयर स्पा को कर सकते हैं। स्पा क्रीम के लिए जिस रेशियो में मैंने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स की है उसे बरकरार रखिए तो आपकी हेयर और स्कैल्प की पीएच बैलेंस भी बरकरार रहेंगी और आपको मिलेगी एक पार्लर फिनिश हेयर स्पा विदाउट एनी काइंड ऑफ डैमेज। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप कहोगे। मेरे कहने पे से ही एक बार आप ये DIY वाली हेयर स्पा घर पे करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि असल में DIY होता क्या है। तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि टोटली फ्री है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, मोर स्माइलिंग, लेस वरिंग। टाटा।